अवंतिका, अगर आज मैं तुमसे सॉफ्टली बात कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब कतई नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम आज ही मेरी और मेरे परिवार की उतनी गुनहगार हो जितनी की पहले थी। तुम्हें अब तक वो हक मिला नहीं है बिंदिया, और मेरे जीते जी मिलेगा भी नहीं। देखते हैं। और तुम देखते ही रह जाओगे। इनके जो भी सिम्टम्स हैं वो सब प्रेगनेंसी वाले ही हैं, पर मुझे चेकअप करना पड़ेगा। मुबारक हो आप दोनों को। चेकअप से कंफर्म हो गया है कि अवंतिका प्रेग्नेंट है। आपको अवंतिका का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो इन्हें बहुत कमजोरी है और दूसरा इनका ब्लड प्रेशर भी अनस्टेबल है। इट्स अ रिस्की केस, इसलिए आप पूरी तरह ध्यान रखिएगा कि इन्हें आराम मिले और किसी भी तरह का इन्हें स्ट्रेस ना हो। ठीक है जी? जरूर। मैं कुछ टॉनिक और विटामिन्स लिख देती हूँ। सही वक्त पर देते रहिएगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा सुनिए, टाइम कितना हो गया? 1 बजे। अब तक अवंतिका का चेकअप हो चुका होगा ना? अगर नंबर आ गया होगा तो हो चुका होगा, अगर पेशेंट ज्यादा होंगे तो वेट कर रहे होंगे। आप किसी बात का सीधी तरह जवाब दे नहीं सकते हैं क्या? अरे भाई, सीधा सीधा जवाब तो दे रहा हूँ, अब इससे ज्यादा सीधा क्या होगा? अच्छा अच्छा ठीक है, अब सिद्धार्थ को फोन लगाइए और पूछिए कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा। अरे शारदा, चेकअप हो जाएगा तो सिद्धार्थ खुद फोन करके बता देगा, फोन लगाने की क्या जरूरत है? अब फोन लगाइए। तुम्हारे हिसाब से तो अवंतिका की प्रेगनेंसी झूठी है ना, फिर तुम क्यों फोन लगाना चाहते? आपको फोन लगाने में कोई परेशानी है क्या? अच्छा अच्छा लगाता लगा। नॉट रीचेबल आ रहा है। ये नॉट रीचेबल क्यों आता है? अब ये क्या सवाल हुआ? अभी हो सकता है कि दोनों डॉक्टर के कैबिन में बैठे हो, वहां नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, या दोनों लिफ्ट में भी हो सकते हैं। तुम कहो तो अवंतिका को फोन लगाओ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वरना वो सोचेगी कि हम खामखा उसे इंपॉर्टेंस ही दे रहे। अच्छा मैं अभी आती हूं। तौबा।
लीजिए, पानी पीजिए। मुझे प्यास नहीं है। अब मैं पानी लाई हूं तो पीजिए। टाइम कितना हुआ? थोड़ी देर पहले तो 1 बजा था, अभी 1:03 हुआ। हाँ तो सिद्धार्थ को फोन लगाइए। अभी किया था ना, नॉट रीचेबल आ रहा है। दोबारा ट्राई करना मना है क्या? अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। ट्राई करते रहिए, कभी तो नेटवर्क में आएगा। अरे कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। सिद्धार्थ आप चलिए, मुझे पापा से मिले जाना। तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सिद्धार्थ, डोंट वरी, यहाँ काफी रिक्शाज होते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। पर तुम इस हालत में कैसे जाओगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ। श्योर? यस आप चलिए। थैंक यू। रिक्शा राकेश, यू नो व्हाट, मैं घंटाघर की तरफ से जाने वाला था, फिर पता नहीं अचानक मेरे मन में क्या आया तो मैंने गाड़ी यहाँ से मोड़। अगर मैं उधर से चला जाता तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? मैं भी बस जा ही रही थी। वैसे यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्लिनिक आई, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? सब ठीक है ना? कुछ नहीं, बस जो रूटीन चेकअप होता है ना वो। ओके ओके, अब वैसे जा किस तरफ रही हो? कोई बात नहीं राकेश, मैं चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। ओहो, बताओ वीना कहाँ जा रही हो? मैं पापा से मिलने जा रही थी हॉस्पिटल। लो मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, आ जाओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है राकेश, मैं चली जाऊंगी, इट्स फाइन। अरे मैं काटूंगा नहीं तुम्हें, आ जाओ बैठो। अवंतिका, मुझे याद है यार, मुझे वहाँ काम है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाय सिड। हाय। नहीं लेकिन राकेश मुझे ड्रॉप करने ही वाला था। हाँ बस मैं भी अंकल से मिलने ही जा रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा इसे। नो थैंक यू, ये कार में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। ओके वो भी है। ओके थैंक यू राकेश। मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ इसका ये मतलब मत समझ लेना कि आपने मुझे माफ कर दिया है। मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस बच्चे के लिए कर रहे हैं, कल रात को ही बता दिया था। फोन नहीं उठाया उसने? अभी बिजी होगा इसलिए कभी उठाता नहीं है और कभी बार बार कट कर देता है।
मैं बाद में ट्राई करता हूँ। डॉक्टर के वहां से निकलने के बाद कहाँ बिजी हो सकता है? उसने तो कहा था कि चेकअप के बाद सीधा घर पे आएगा। कहो तो अवंतिका को फोन करके पूछूं? नहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही कह रहा था कि मैं अवंतिका का कुछ पता चला? मतलब उसके अभी तक सारे टेस्ट तो हो गए होंगे ना? क्या पता, सिद्धार्थ से बात ही नहीं हो पा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवंतिका उसे कोई पट्टी पढ़ा रही हो? क्या पता, मैंने ही गलती कर दी दोनों को साथ भेजकर। आंटी जी, हम आपसे एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अब तुम बुरा मानने वाली बात नहीं करोगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगी ना। वो हम सोच रहे थे कि मामा जी से कहकर अपने गांव की टिकट करवा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी अब हमारा यहाँ पे क्या काम? क्या तुम बार बार गांव गांव के रख लगाए रहती हो? ये घर तुम्हें काट रहा है क्या? नहीं आंटी जी, कोई अभागा नहीं होगी जिसे ये घर काटेगा। जहाँ आप जैसी ममता की मूरत, अंकल जी जैसे नेक दिल इंसान और मामा मामी जैसे स्नेह करने वाले लोग, जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य किए होंगे जो हमें इस घर में कुछ दिन बिताने को मिले। सच कहे आंटी जी तो हम मरते दम तक ये दिन नहीं भूल पाएंगे। फिर तुम्हें क्या समस्या है? आंटी जी, हम गांव से हैं, गरीब हैं, हमारे माँ बाप हमें इतनी लंबी लंबी गाड़ी नहीं दे सकते, इतना बड़ा घर दे सकते। हमारे माँ बाप ने हमें एक चीज भरपूर दी है और वो है स्वाभिमान। हमारे पिताजी ने कहा कि अगर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी जान भी देना पड़े तो उसे हंसते हंसते गले लगा ले। तो मुझे बताओ, किसने ललकारा तुम्हारे स्वाभिमान को? मैं अभी खबर लेता हूँ उसकी। बताओ बताओ। नहीं नहीं अंकल जी, हम किसी की झूठी बुराई नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते। सच तो ये है कि जहां हमारी कोई जरूरत ही नहीं है वहां हम भी नहीं रुकना चाहते। किसने कहा तुम्हारे यहाँ जरूरत नहीं है बिंदिया? मैंने तुम्हें इस घर की होने वाली बहू चुना है तो तुम्हारी यहाँ जरूरत होगी ना। आंटी जी, इंसान कितनी भी कोशिश करे लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसे वो बदल नहीं सकता। अब अवंतिका आपको पोते का तोहफा देने वाली है, उस हिसाब से तो इस परिवार में, इस घर में उसी का हक होना चाहिए ना। ये बात आप लोग कैसे झुठला सकते हैं? पर अभी तो कोई कंफर्म नहीं हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ लेकिन आज हो जाएगा, आज ये भी पक्का हो जाएगा और उसके बाद अवंतिका उस बच्चे को सीडी बनाकर सिद्धार्थ जी के दिल तक पहुंच जाएगी, आपके दिल तक पहुंच जाएगी। लेकिन उसके बाद वो हमारे साथ क्या करेगी? हमें तो उसकी कल्पना करके भी डर लगता है। आंटी जी, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। आंटी जी, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं जितना शायद हमारी माँ ने भी हमसे ना किया। लेकिन भविष्य का किसे पता है? आंटी जी, हमारी आपसे एक विनती है। बोलो। हमसे वादा कीजिए कि अगर अवंतिका प्रेग्नेंट निकली तो भी आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आंटी जी, हमें आपसे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपका साथ चाहिए। हमसे वादा कीजिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप हमें इस घर के किसी भी एक कोने में रहने की इजाजत देंगे। बिंदिया, तुम हमारी बेटी हो इसलिए तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। सिद्धार्थ चला गया? मतलब यहां तक आया और अंकल जी से मिले बिना ही चला गया वो?
आप यहाँ आए गए हैं तो पापा से मिलने ऊपर भी आ जाइए। अपना ध्यान रखना और सीढ़ियों का इस्तेमाल मत करना। फर्स्ट फ्लोर में हो तो भी लिफ्ट इस्तेमाल करना। सुनो, ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में मत रहना, क्योंकि हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। ये पानी की बोतल रख लो, सिप करती रहना, डिहाइड्रेशन हो जाएगा नहीं तो। थैंक यू। हेलो डैड। अरे बेटा तू कहाँ था? अरे फोन की बेल बज जा रही थी, कभी तुम फोन उठा नहीं रहे थे। ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? डैड मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ट्रैफिक में फंसा हुआ, कहता थोड़ी देर के बाद करता हूँ। पापा। अरे बेटा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और बेटी हमें खुशखबरी मिल गई। तुम्हारी माँ ने मुझे बता दिया कि मैं नाना बनने वाला हूँ। बेटा डॉक्टर को दिखाया? हाँ माँ, बस अभी वहीं से आ रही हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा केयरफुल रहना है। वो तो है ना बेटा, तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है और पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये माँ बनने वाली है, इसीलिए डॉक्टर के यहाँ गई। ये तो बहुत बुरी खबर है। ये बच्चा इसे फिर से सिद्धार्थ की तरफ ढकेल देगा, बल्कि शुरुआत तो हो चुकी है। ये डॉक्टर के क्लिनिक में इसके साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ छोड़ दिया। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस बारे में। राकेश, नमस्ते बेटा। हाय। हेलो। हेलो, नमस्ते अंकल। कैसी आपकी तबीयत? पहले से बेटर है। ये तो खुशी की बात है। और अंकल आज एक नहीं बल्कि दो दो खुशखबरियां मिली है। अवंतिका पहली प्रेगनेंसी मुबारक हो। थैंक यू। एंड आई एम श्योर कि ये बच्चा तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। सिद्धार्थ दिखाई नहीं दे रहा, वो तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? कहीं ऐसा कुछ ना कह दे कि इन्हें सब पता चल जाए और सपना पहुंचे। अभी ये थोड़ी देर पहले ही दोनों मिले थे। वैसे अवंतिका मेरे साथ ही आने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि वो उसे छोड़ देगा। तो वैसे सिद्धार्थ चला गया, मतलब यहां तक आया और अंकल जी से मिले बिना ही चला गया वो। के बेटे सिद्धार्थ आया था तो ऊपर आके मुझसे क्यों नहीं मिला? अभी तुम्हें हमारी फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपना और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहिए।
अरे पापा, वो सिद्धार्थ ने ना एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है और वो जो सॉफ्टवेयर है वो कंपनी को इतना अच्छा लगा, बस वही डील फाइनल करने के लिए गए सिद्धार्थ। अच्छा। अभी सारा तामझाम है उसमें, फाइनेंशियल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, वो सब सिद्धार्थ को ही हैंडल करना पड़ता है। बिल्कुल टाइम नहीं मिला, वो बोल रहे थे पर आएंगे, जल्दी आएंगे। अच्छा। मेरी कल रात दामा जी से बात हुई थी, उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि आपके होश में आने के बाद वो आपसे मिल नहीं सके। बोल रहे थे कि मेरी तरफ से पापा जी से माफी मांग लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, माफी की क्या बात है बेटे, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। वो एक कहावत भी है ना, जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं, उसका फायदा उठा लेना चाहिए। अरे हम तो मिल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। सही कहा आपने अंकल, काम सबसे पहले। मैं यही सोच रहा था कि सिद्धार्थ इतना केयरिंग आदमी है, वो अपना खुद का नुकसान करके भी दूसरों का भला करने में लगा रहता है, तो वो ऐसे मौके पर अवंतिका को अकेला कैसे छोड़ सकता है। अब जरूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा होगा। हाँ एग्जैक्टली, सिद्धार्थ ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड। या ऑफ कोर्स। पापा, आप दवाई तो टाइम पर ले रहे हैं ना, आप बहुत केयरलेस है दवाई को लेने में, और माँ भी भूल जाती है। अरे बेटा, इसमें तुम्हारी माँ को भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे याद रखने की जरूरत है। कितनी सारी नर्सें हैं ना याद रखने को है। हाँ, मैं भूल ही गई। देखा, खुद भूलने की आदत है और इल्जाम मुझ पे। सॉरी। बेटा, तुम जिंदगी के नए रास्ते पर, नए पायदान पर कदम रख रही हो और ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ बेटे, अभी तुम्हें हमारी फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपना और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। पापा, इस बच्चे की फिक्र करना, उसकी केयर करना मेरी जिम्मेदारी, आखिर मैं उसकी माँ हूं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जिस माँ बाप ने मुझे इतना बड़ा किया, मेरी इतनी केयर की, फिक्र की, उनको भूल जाऊं। ऐसे थोड़ी होता है, माँ बच्चों को जो प्यार देती है ना पापा, वो वही प्यार होता है जो उसे उसके माँ बाप से मिलता है। ये ऐसा कर्ज है जिसका सूद बच्चों को प्यार देने से चुकता हो जाता है, लेकिन उसका मूल कभी खत्म नहीं होता। सिद्धार्थ यहाँ वेट करके क्या मतलब हो? इससे अच्छा आप ऊपर ही आ जाते ना पापा से मिलने के लिए, उन्हें भी खुशी होती। मुझे ऐसी कोई उम्मीद ना करो तो बेहतर होगा अवंतिका। अवंतिका ने आज तक जो किया सो किया, उसने जो कुछ भी किया उसमें आने वाले बच्चे का कोई दोष नहीं। इसलिए याद रहे, आप में से कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे अवंतिका को जरा भी परेशानी, क्योंकि अगर वो परेशान होगी तो बच्चा भी परेशान होगा।